हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक रहेगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक, डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। तो डेंसिटी आखिर है क्या, ये बात हम आज सॉलिड में डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ, ये कोई मान लीजिए ये जो रूम है ये पर्टिकुलर इसका कोई वॉल्यूम है, इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो उसका मास हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या होगा इन यूनिट सेल? अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट कर लें। अब यूनिट सेल जो हम पढ़ रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल है, यानी क्यूबिक यूनिट सेल है। और क्यूबिक यूनिट सेल की कंडीशंस क्या होगी जरा देखें। क्यूबिक यूनिट सेल क्वेश्चन में है, क्यूबिक यूनिट सेल यानी जो एज हैं ए बी सी वो एक दूसरे के बराबर होंगी, जो एंगल हैं एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा वो 90 डिग्री होगा। अगर इस तरीके की यूनिट सेल है तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। और हम क्यूबिक यूनिट सेल का क्या निकालेंगे, यहाँ डेंसिटी। तो क्यूबिक यूनिट सेल को एक बार देख लेते हैं। ये क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें ये एज है आपकी ए, ये बी, ये सी, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये वाला एंगल गामा। अगर ये कंडीशन है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। और उस इसमें ए बी सी क्या होंगे, तीनों ही इक्वल होंगे। इस तरीके से हमें पता चला कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या है और क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे कि मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट पर। तो इसके लिए थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, यानी इतने एटम का जो मास है वो ग्राम एटॉमिक मास। या मैं कहूँ वन मोल का जो मास है वो कितने किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि हम यूनिट सेल में मास ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा, आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में कि मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या होता है, वन मोल कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, उनका जो मास है उसे हम बोलेंगे मोलर मास। तो मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैंने एटम्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया है कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए से, है ना। और इतने एटम का मास क्या होगा आपका, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि अगर मैंने कहा मास ऑफ वन मोल एटम, है ना, वन मोल के अंदर कितने एटम है उसका मास क्या होगा, उसे बोलेंगे मोलर मास। मैंने कहा मास ऑफ वन, आप फाइनली ये समझे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम इज इक्वल टू इसके एम के इक्वल होगा बेटा, एम ग्राम लिख रहा हूं, एम ग्राम के इक्वल होगा, यानी इतना जो मोलर मास है वो किसके बराबर है बेटा, एम ग्राम। ठीक है, अब मैं जान या इसी को ऐसे लिख सकता हूं मास ऑफ एन ए एटम्स इज इक्वल टू एम ग्राम,
ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूं एक पार्टिकल का मास कितना है, तो मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन एन ए, एम अपॉन एन ए। अब इस यूनिट सेल में हम पढ़ते हैं सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो हर एक में हम देखते हैं जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो हम इसका मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ मास ऑफ जेड एटम, मास ऑफ जेड एटम, जेड एटम का मास कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एम अपॉन एन ए इंटू जेड और ये ग्राम, तो ये आपका निकल के आ जाएगा मास ऑफ एटम इन यूनिट्स। इसके बाद देखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें मालूम है ए क्यू होता है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए क्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ एटम क्या है, एम इंटू जेड अपॉन एन ए, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा ए की। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां मैं वैल्यू लिख रहा हूं क्या है, एम आपका अगर वन मोल, में फिर आपको बता रहा हूं बार बार, मैंने कहा मास ऑफ वन मोल एटम, तो उसे बोलूंगा मैं मोलर मास, तो एक एटम का मास क्या है एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का मास क्या है मॉलिक्यूलर मास, तो मैं यहां लिख रहा हूं एम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, जेड इक्वल्स टू यहां जो आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल यानी नेचर क्या होगी, तो आपको पता चलेगा जब आप निकालेंगे अगर सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है कॉर्नर्स पर वन होती है, अगर बॉडी सेंटर्ड है यानी वीसीसी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है टू, अगर एफसीसी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी फोर, तो ये आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू वन आ रही है टू आ रही है या फोर आ रही है, उसको देख करके हम बता सकते हैं कि नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या है। इसके बाद ये आपको मालूम ही है एज इक्वल टू एज लेंथ, और मोस्टली आपको एज लेंथ जो मिलेगी वो पिकोमीटर में होगी, यानी मैं लिख रहा हूँ वन पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर, या इसी को लिख सकता हूँ 10^-10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप देखेंगे एन ए आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी यूनिट सेल की कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी। अगर मेरे पास ये डाटा दिया है तो एक दो न्यूमेरिकल से इसे क्लियर करते हैं, देखिए ये कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस यूनिट सेल में है, किस तरीके की यूनिट सेल है बीसीसी, यानी मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड इज इक्वल टू कितना है बीसीसी का, मतलब क्या दिखा रहा है टू इसको रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है। इसके बाद दिखा रहा है एज लेंथ, यानी ये कितना दिया हुआ है आपको एज लेंथ, इसकी एज इक्वल टू 288 पिकोमीटर, या मैं इसे लिख सकता हूँ 288 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी जो आपको गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना क्या है इसमें, देखिए ये निकालना है आपको
कि कोई यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल का इतना अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कितने एटम हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूले में डेंसिटी इज इक्वल टू एम इंटू जेड अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। जब आप इसमें से एम कैलकुलेट करेंगे तो एम निकालेंगे इसमें से, ये होगा आपका डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए अपॉन जेड, ठीक है। आप इसमें गिवन वैल्यू रखेंगे तो डेंसिटी आपको दे रखी है 7.2 और ये आपको दिया हुआ एज लेंथ 288 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और ये आप इसका कर देंगे क्यू एन ए 6.022 इंटू 10 की पावर अपॉन जेड। अब जेड कितना दिया हुआ है आपको, इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है, देखिए 2, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट, 51.8 ग्राम, यानी एम जो आएगा 51.8 ग्राम, ठीक है। ये मुझे मिला, इसका एटॉमिक मास पता चला। अब आगे जो न्यूमेरिकल होगा वो इसी से होगा, मोलर मास से, या मैं कहूँ मोल कॉन्सेप्ट से, यानी इतने ग्राम मैं कितने इसके पार्टिकल्स होंगे, यानी मैं कहूँगा एन ए पार्टिकल्स होंगे, है ना। और फिर उसके बाद मुझे देखना है इतने ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखें 51.8 ग्राम कितने कंटेन करता है बेटा एन ए पार्टिकल को, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम मॉलिक्यूल जो भी है। इसके बाद मैं जानना चाह रहा हूँ कि 1 ग्राम में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, अब डिवाइड हो जाएगा 51.8। इसके बाद क्वेश्चन में कितना जानना चाह रहा है, 208 ग्राम में कितना होगा, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 51.8 इंटू 208, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, यानी 24.1 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे इतने ग्राम एलिमेंट के अंदर, यानी हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट इतने ग्राम के अंदर इतने एटम होंगे। अगर